Hi, Jetha ji. Hey, Babita ji. हाँ बबीता जी, क्यों अचानक कलकत्ता जा रहे हैं? एक्चुअली मेरी कजिन की शादी है, इसलिए हम जा रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कितने दिन के लिए जा रहे हैं? दो दिन बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाइए जाइए, हो आइए। जेठालाल, हम लोग तुमको इन्फॉर्म करने नहीं आए कि हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। तो एक्चुअली कजिन को शादी में गिफ्ट करने के लिए एक मोबाइल चाहिए। अच्छा, बढ़िया, लेटेस्ट पीस दिखाता हूँ बबीता जी, एक मिनट। 10-12 हजार की बजट है। बबीता जी, पैसे मांगे मैंने आपसे, पैसे की चिंता आप करिए ही मत। अभी ला, एक मिनट। हाँ नटू काका जी, वो एक लेटेस्ट पीस है ना मोबाइल का, वो दिखाइए जरा, एक मिनट। हाँ लाइक लाइक, ये देखिए बबीता जी, इसमें क्या है, दोनों है और टच स्क्रीन भी है और क्यूटी पैड है। की पैड नहीं, वो नहीं है, वो उंगली से टाइप कर सकते, ऐसा है। राइट राइट, अच्छा है ना ये? एक अच्छा है, एकदम बढ़िया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बेस्ट 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 पीस है, परफेक्ट दिस वन। हाँ जेठालाल, ये कितने का है? अरे यार भाई, थोड़ा ना पैसा, क्या पैसा पैसा करते हो? नहीं फिर भी हमको मालूम तो पड़ना चाहिए ना। हाँ 10:30 का है। अरे भाई, अभी मैंने मांगे आपसे, आप कलकत्ता घूम के आओ, बाद में आराम से देना। तो दिस वन। नटू काका, इसका एक पेटी पैक पीस देना। सेठ जी, हो गया। शाबाश, अभी ये मोबाइल नटू काका को दे दे और वो जो बॉक्स दे रहे हो लेके आ जल्दी। जी ये लीजिए। लाइए लाइए, दल्ला ला जल्दी, ये लीजिए बबीता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी बताइए आप क्या पियेंगे, ठंडा गरम? एक काम कर, बहुत गर्मी है ना, भगा दो बढ़िया फालूदा, बोल तकमरिया बकमरिया डाल के, बढ़िया सब, या बोल बोल जी। अरे अरे नहीं नहीं, जरा लाल उधर का जरूरत नहीं है, देखो हमको एयरपोर्ट जाना है, उधर लेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर भाई, 5 डजन आम दे दे। अरे वाह, मतलब बबीता जी ने 5 मोबाइल खरीदे? नहीं हमने तो देख ही लिया। तो फिर 5 डजन क्यों, फिर से कुछ चेंज करना है? दोड़ा, बोला उतना करना भाई जी। बागा बागा, क्या प्रॉब्लम, क्या है? नहीं अय्यर भाई, दरअसल आज के दिन एक स्कीम रखी है, 1 मोबाइल लेने पर 1 डजन हापुस आम फ्री। ओह नाइस। हमको 5 डजन क्यों? अरे आप कस्टमर थोड़ी, आप तो घर के हैं। दे भाई दे बागा, 5 डजन आम दे जी। जेठालाल, अबे ये इतने सारे सामान के साथ में ये बॉक्स किधर लेकर जाएंगे? एक काम करो, तुम इसको संभाल कर रखो, हम कोलकाता से आने के बाद ये बॉक्स ले लेंगे, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी एक काम करो, ये एक एक बॉक्स तो लेकर ही चाहिए। और पर नहीं नहीं, अभी ना मत बोला, आपने कोई ठंडा भी नहीं किया ये। और एक बॉक्स मेरी तरफ से आपके कजिन को शादी में गिफ्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, अरे आप इधर है, आपका थैंक यू। चलो चलो, बबीता फ्लाइट मिस हो जाएगा। हाँ, और प्लेन तो ट्रेन की तरह भाग के भी नहीं पकड़ पाएंगे। ओके बाय बाय, सी या। ओके, जल्दी जल्दी वापस आ जाओ घूम के, सब इंतजार करेंगे गोकुलधाम सोसाइटी में आपका। ओके बबीता जी, संभाल के। अय्या मेरा मोबाइल देना। वो तो तुम्हारे पास में होगा, मेरे पास किधर है? अय्या हम लोग जब घर से निकले थे, टिकट चेक करते वक्त मैंने मेरा वॉलेट और फोन तुम्हारे हाथ में दिया था, याद है? ओ हाँ, वो तो मैंने अपने ब्रीफकेस में रखा था। ग्रेट, तो दो। जो ब्रीफकेस, मेरा ब्रीफकेस किधर है? अय्या ब्रीफकेस कहाँ है? हाँ नहीं मिल जाएगा, वही देख रहा हूँ। एक मिनट, ये ब्रीफकेस कहाँ है? अरे मिल जाएगा, यही तो रखा था। गॉड अय्यर, अय्यर उस ब्रीफकेस के अंदर मेरा वॉलेट और मोबाइल था, और वॉलेट के अंदर हमारे सारे आई कार्ड थे। अय्यर हम अभी आई कार्ड नहीं दिखाएंगे तो हमें बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, फिर हम कलकत्ता कैसे जाएंगे?
याद करो यार, तुमने कहाँ रखा था? अच्छा है ना? बढ़िया है। जयदलाल। हाँ? ये आम के चक्कर में मैं ब्रीफ के जयदलाल की दुकान पर भूल गया। अय्यर, आम को मत कोसो, गलती तुम्हारी है। बबीता, ये आम के लिए जयदलाल की दुकान में कितना भीड़ था, और बस वो आम का ये पैडी लेने के चक्कर में मैं वो ब्रीफ के जयदलाल की दुकान पर भूल गया। अय्यर, अभी आर्गुमेंट करना बंद करो, अपने जेठे जी को तो फोन करो। हे भगवान, जल्दी। हाँ यार भाई, बोला जयदलाल, मैं अपना ब्रीफ गेज तुम्हारे दुकान पर भूल गया हूँ, वो सिल्वर कलर का है। यार भाई, आपको कुछ अक्कल बक्कल है? और ब्रीफ गेज आपका था? हाँ जयदलाल। अरे ऐसे कैसे भूल गया मेरे दुकान में? अरे आपके वो ब्रीफ गेज की वजह से मुझे कितनी परेशानी है मालूम? मुझे फोन दो, मुझे फोन दो। हाय जेठा जी, वो ब्रीफकेस हमें अभी चाहिए। उस ब्रीफकेस के अंदर हमारा आई कार्ड है, और हम लोग अभी आई कार्ड नहीं दिखाएंगे ना तो हमें बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, फिर मेरी अपनी कजिन की शादी भी नहीं अटेंड कर पाऊंगी। अरे बाप रे, लेकिन बबीता जी, वो क्या है कि वो लवर इस ब्रीफकेस को देख के हम लोग तो डर गए इधर दुकान में, तो पुलिस को बुला लिया, और पुलिस तो वो ब्रीफकेस अपने साथ लेके गया पुलिस स्टेशन। क्या क्या हुआ? ब्रीफकेस पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? जीठा जी, अगर हम लोग अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, और अगर रास्ते में ट्रैफिक मिला ना तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जीठा जी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज वो ब्रीफकेस लेके आइए। बबीता जी, रिक्वेस्ट बोलकर तो आपने एक पल में मुझे पराया कर दिया, और आपको मुझे रिक्वेस्ट नहीं करने की होती है, आपको सीधा ऑर्डर फेंकने का होता है। जीठा जी, ये काम हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए, और आपका काम हो जाएगा। बबीता जी, जीठा जी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। जीठा जी, थोड़ी सी भी लेट हो गए ना तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बबीता जी, आपका टेंशन अभी मेरा टेंशन, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं फटाफट कुछ भी करके वो ब्रीफकेस आपको जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए, वो ब्रीफकेस लेके मैं कहाँ मिलूँ आपको? जीठा जी पूछ रहे कि ब्रीफकेस कहाँ पे लेके आना है। हेलो जयदलाल। हाँ, वो एयरपोर्ट पर साउथ का तड़का होटल है, पर आ जाओ, हम लोग तुम्हारा वहीं पर इंतजार करते हैं। प्लीज प्लीज, देखो देखो जयदलाल, जल्दी करना नहीं तो हमारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। नहीं नहीं अय्यर भाई, आप फिक्र मत करो, मैं आपकी फ्लाइट मिस होना नहीं दूंगा, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। अय्यर भाई, आ गया जेठा जी। ओह माय गॉड, पहुंच गया। ये लीजिए बबीता जी, मैं रहा ब्रीफ कैसे। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी, क्या हुआ आपको? वो यूं समझ लीजिए बबीता जी, यहाँ पहुँचने के लिए एक बड़ी जंग खेल कर आया हूँ। अरे आपके किसी से हाथापाई हुई? नहीं नहीं, हाथापाई नहीं हुई, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो हाथापाई भी करके आता बबीता जी। तो फिर ये चोट कैसे लगी आपको? वो क्या बताऊं, यहाँ पहुँचने के लिए 2-3 बिगड़े हुए स्कूटर बदल बदल के पहुँचा हूँ बबीता जी। उसमें जो पहला वाला स्कूटर था ना, वो थोड़ा 2-3 लोग आगे आ गए, जल्दी जल्दी आने के चक्कर में बैलेंस गया, वो गिर गया, उसमें थोड़ा चोट लग गई। कुछ नहीं, देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। थैंक यू जयदलाल। जेठा जी, आप हीरो है हीरो, हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। हाँ बबीता, चलो लेट हो रहा है, फ्लाइट मिस हो जाएगा। थैंक यू सो मच अगेन जेठा जी, थैंक यू सो 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 मच। अरे बबीता जी, अरे थैंक यू क्या, थैंक यू की बात ही नहीं है, एक दोस्त होने के नाते और एक पड़ोसी होने के नाते तो मेरा फर्ज है। अरे बबीता, अगर जयदलाल के साथ ऐसा कुछ होता तो मैं भी अपना फर्ज नहीं पाता। जो तो डोट डाई अयरड़ी चल कुकड़ी। अरे अय्यर भाई, एक टैक्सी वेटिंग में रखना चाहिए ना, जब पता है कि लेट हो रहा है, इतना भी क्या पैसा बचाने का बबीता जी। अभी टैक्सी की वजह से फ्लाइट मिस हो जाएगी तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं बबीता जी? जयदलाल, वो टैक्सी वेडिंग पर है,
हम लोग सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। टैक्सी चलो चलो। थैंक यू सो मच जिठा जी अगेन। थैंक यू सो 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 मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।